जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र से जुड़े एक छोटी सी कंपनी जिसका नाम जीवीके पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। शॉर्ट कट में इसको जीवीके शेयर के लोग नाम से जानते हैं। देखिए पिछले कुछ समय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई जो सेक्टर है बेसिकली कहें तो सेक्टर ने काफी पैसा बना कर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो ओवरऑल इस जो इंडस्ट्री है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, इसमें जो काम करने वाली कंपनी है, खासकर ऐसी कंपनी जो छोटी कंपनी और ग्रो कर रही है जैसे जीवीके पावर, तो इस तरह के स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते रहना जरूरी है। और आपका यदि इन्वेस्टमेंट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप आईटी के सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में, ये सब ग्रोइंग कंपनी और हमेशा ही इनका ग्रो होते रहेगा, इस तरह कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। हम लोग इस कंपनी का संपूर्ण एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में, आपको बताऊंगा कि आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपकी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसका इन्वेस्टमेंट नहीं तो कहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, किस लेवल पे इस कंपनी के शेयर को बाय कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपनी का शेयर प्राइस जो लगता है नीचे की तरफ आ रहा है, हालांकि नीचे नहीं आ रहा है अभी, देखेंगे मैं आपको दिखाऊंगा एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है, तो इसमें से कब प्राइस निकल के बाहर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ताकि कुछ लोग जो पहले से इसमें बाय करके बैठे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो टॉप पे बाय करके बैठे होंगे, उनको अभी लॉस हो रहा होगा। सारी समस्या का समाधान आपको इस वीडियो में होने वाला है, बस आप लास्ट तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर इस स्टॉक को डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को मैंने ओपन किया हुआ, ये बीएससी का वेबसाइट है, काफी रिलायबल वेबसाइट माना जाता है किसी भी स्टॉक को स्क्रीन करने के लिए। यहाँ पे देखिए आप देखेंगे कि एसएमएसएस2 की श्रेणी में ये स्टॉक है, यही वजह है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है भी आपको रेंज बाउंड में फंसा हुआ है, एक दो ही प्राइस के बीच में इसमें कई दिनों से प्राइस घूमते हुए दिख रहा है, आपको इस रेंज से बाहर नहीं निकलते हुए दिख रहा है। देखिए क्या होता है कि जब सेबी किसी भी जांच पड़ताल को करने के लिए अपने सर्विलांस मेजर में स्टॉक को डालते हैं तो उसका नाम दिया गया है एएसएम या जीएसएम, इस तरह का नाम होता है। तो अभी ये स्टॉक एएसएम की श्रेणी में, हालांकि एएसएम उतना बड़ा ऐसे कह सकते खतरनाक कैटेगरी नहीं माना जाता है, ये बहुत लो लेवल कैटेगरी होता है और इससे जल्द ही स्टॉक्स बाहर आ जाते हैं सामान्यतः 1 से 2 मंथ में। और चूंकि कंपनी के क्वार्टर 4 के नंबर भी आने वाले हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ नोटिफिकेशन में दिखेंगे, हाल ही में एक मीटिंग हुआ है 20 मई के डेट में ये हुआ था, जिसमें तय हो गया कि अब कंपनी का जो क्वार्टर 4 का नंबर है वो आपको जल्द ही आते हुए दिखेगा, जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट है। उम्मीद है मई लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में इस कंपनी के क्वार्टर 4 नंबर आ जाएंगे और नंबर काफी अच्छे आने की उम्मीद है, ये बात आपको मैं बताना भूल गया था। क्वार्टर 4 का नंबर अनुमान के मुताबिक अनुमान से भी कहीं ज्यादा अच्छे आने की उम्मीद है, हालांकि पिछले क्वार्टर के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए थे, लेकिन ये जो नंबर आने वाले काफी अच्छे आने वाले हैं और इसका इंपैक्ट पड़ेगा कंपनी के शेयर प्राइस पे, जो क्वार्टर 4 के नंबर आने वाले हैं इससे कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आने की उम्मीद है। हालांकि क्वार्टर के नंबर तो 3-3 माह पे आते ही रहते हैं, लेकिन मैं चार्ट पर दिखाऊंगा जिस तरीके के संकेत बन रहे हैं वो एक लंबी छलांग की तैयारी आपको करते हुए दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए जीवीके पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का जो मैंने आपको बताया, आगे चार्ट और टेक्निकल बाद में समझेंगे, पहले थोड़ा सा काम और फंडामेंटल को समझ लेते हैं। काम सबसे बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनी है, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन सर्विस प्रोवाइड करती है, मैन पावर को भी सुविधा देती है, कंसल्टेंसी की भी सुविधा प्रोवाइड करती है, यानी कि जिसको जिस तरीके का काम करना है उस तरीके की ये सुविधा कंपनी आपको प्रोवाइड करा देगी, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए भी ये कंपनी आपको सुविधा प्रोवाइड करते हुए दिखती है, काम काफी बढ़िया है और मैंने बताया कि जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है उसका ग्रोथ भी फ्यूचर में काफी रहेगा। अब फंडामेंटल देखें तो 1715 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन है इस कंपनी की, हालांकि शेयर प्राइस बहुत कम है, इसमें मत जाइए, स्मॉल कैप श्रेणी कंपनी, पेनी स्टॉक की या पेनी स्टॉक नहीं है, पेनी स्टॉक से काफी ऊपर का कंपनी है और इस कंपनी का जो पी यह भी काफी सस्ता है, यानी कि बहुत ही सही वैल्यूएशन पर आपको इस स्टॉक का प्राइस आपको मिल रहा है। आगे चार्ट पर समझेंगे कि बस हमें किस लेवल पर इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। 1 साल के चार्ट मैंने ओपन किया हुआ और 1 साल के चार्ट पर देखिए लगभग 1 साल से कह सकते हैं कि जो कंपनी का शेयर प्राइस है आपको रेंज बाउंड में फंसे, 1 साल से तो नहीं कहेंगे, हालांकि बाहर निकला भी था, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से मान लेते हैं 10 से 12 रुपए के बीच में कंपनी का शेयर प्राइस बाहर इसमें आपको फंसे हुए दिख रहा है। अब होता क्या है कि जब भी रेंज बाउंड से बाहर निकलते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है, न कि नीचे आता है, नीचे नहीं आएगा, प्राइस आपको ऊपर ही जाएगा जब भी इस रेंज बाउंड से बाहर निकलेगा। और प्राइस इस रेंज बाउंड से बाहर कब निकलेगा, जैसे मैंने बताया कंपनी के क्वार्टर 4 के नंबर आने वाले हैं, तो अब इसका समय आ गया इससे बाहर निकलने का, ऊपर निकले तो ये जितना हाई गया था कम से कम इसका डबल ये ऊपर जाएगा और आपको यहां से भी देखेंगे तो एक मतलब हायर हाई पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। ये जो 16 रुपए का प्राइस है कम से कम आपको 30-32 रुपए तक इस कंपनी का शेयर प्राइस बहुत शॉर्ट टर्म में आपको जाते हुए दिखेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंपनी के क्वार्टर 4 के नंबर आते ही इसमें छलांग लग जाएगा, लेकिन नंबर आएगा अच्छा आएगा तो धीरे धीरे करके प्राइस आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगा और इस रेंज के निकालने के बाद तो काफी तेजी से प्राइस ऊपर जाएगा, तो इसलिए आपका इन्वेस्टमेंट है तो इसमें समय दीजिए। जिसका नहीं है वो क्या करेगा, जब इस रेंज से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे
एंट्री ले सकते हैं ताकि यहाँ पे उसको एक मोटा पैसा बनाने का मौका मिल सके। और फिर यहाँ से जब एंट्री लेंगे तो आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा। अभी कोई व्यक्ति बाई कर लेता है तो उसको वेट करना पड़ सकता है, पता नहीं कब तक किस रेंज से बाहर निकलेगा, इसलिए आप वेट कीजिए। जब रेंज से बाहर निकले तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। सबसे कमाल की बात है कि पीयर कंपेरिजन में आप देखते हैं तो लार्जन एंड टर्बो जैसी कंपनी, राइट्स जैसी कंपनी, राइट्स लिमिटेड, इंजीनियरिंग इंडिया जैसे टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग जैसी कंपनी है, इस कंपनी के पीयर कंपेरिजन में है। यानी कह सकते हैं कि अच्छी अच्छी कंपनियों के साथ उठना बैठना है आसान भाषा में कहें तो इसलिए आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो आपने कुछ गलत नहीं किया। बस समय देने की जरूरत है, पेशेंस रखेंगे तो आपको पैसा बनेगा। इस स्टॉक से रिलेटेड जितनी भी जरूरी इन्फॉर्मेशन थी मैंने देने की कोशिश की है। मेरे से कुछ छूट गया हो, आप कुछ पूछना चाहते हो कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी जुड़कर बातें कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद, शुक्रिया।